तो यार ऑफिशियली विंटर्स आ गया, इतनी ठंड है बाहर, टेम्परेचर 60 डिग्री हो रखा है। ये देखा कपड़े वब लेयर्स पहनने शुरू हो गए हम लोग, जैकेट्स लेयर्स, मैंने भी गर्म कपड़े पहन लिए, ये भी निकल चुके हैं वो कोट्स और जैकेट्स। मैं कह रहा हूँ ऑफिशियली विंटर्स आ गया और ऑफिशियली मेरे कपड़े पहनने शुरू हो गए अभी वापस। मेरा स्वेटर है ऐसे ही जो कि मैंने अभी तो खुद नहीं पहना, लेकिन उद्घाटन ऐसे ही होता है हमारा। दिस इज जस्ट फूड फैट, और क्योंकि मैं अपने आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन अभी तो ऑलरेडी पतली लग रही है, तो पतली हो गई ऑलरेडी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, तेरा लूज हो चुका है वेट पिछले टाइम से। शादी को लॉन्ग चलाने के लिए जो नुस्खे होते हैं वो आप इनसे सीख सकते हैं। तो मैंने करी है PhD, ठीक है। मैं सबसे ज्यादा क्वालिफाइड इसी चीज में हूँ कि बातें करके अपने नंबर कैसे बनाने हैं, ठीक है। लेकिन सच में बताओ यार, आप जैसे, मैं काफी टाइम से भी देख रहा हूँ कि लोग लिख रहे थे कि मैम का वेट गेन हो रहा है, लेकिन अभी ये पतली नहीं लग रही। नहीं, तो पतली हो गई, मैं तेरे को बता रहा हूँ। तो स्ट्रेस का वेट है इसका, सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, बिकॉज पढ़ाई खत्म नहीं हो रही। बस एक डेढ़ हफ्ते की बात है, उसके बाद बिल्कुल फोकस करके अपने आप पे, बिकॉज बीच में सब शुरू करती हूँ बट वो कंटिन्यू नहीं हो पाता था। तो अब फोकस करके इस पे ध्यान दिया जाएगा। एक साल बहुत बहुत ज़्यादा जगहों पे माइंड था, तो हाँ बीच में चीज़ें भी ऐसी होगी ना, हमारा मतलब माइंड बहुत डिस्टर्ब रहा है, शिफ्टिंग थी, घर पे इंसिडेंट हो गया, फिर बहुत सारी चीज़ें, आप हम बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो नहीं हो पा रहा था। अब 3 अक्टूबर के बाद वापस से रूटीन बनेगा और फिर फिटनेस पे फोकस करेंगे दोनों मिल के। और मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या है कीचू? एक्सकवेटर ये भाई, एक्सकवेटर। हमें लगता था कि ये बुलडोजर है, बट हमें हमारे बच्चे ने बताया कि दिस इज एक्सकवेटर। क्या कहना है आपका इस बारे में? हम भी नए नए वर्ड सीख रहे हैं। बस बस का दिख गए इसको, पीछे बस है। अच्छा अच्छा लास्ट वीक का दिख गया। तो भाई चलते हैं अब कीचू को पिक करने। आज सीन थोड़ा सा डिफरेंट है, बताता हूँ। गाड़ी में बैठ के बारिश हो रही है। सीन ये है कि जनरली मैं दिव्या को भी पिक करता हूँ वहाँ से, बट आज मैंने उसको सुबह बोला कि मैं कीचू को घर ले आऊँगा तो आराम से 9 बजे तक पढ़, क्योंकि अब उसका लास्ट वीक रह गया, तो शी विल गेट अराउंड 3 आवर्स एक्स्ट्रा एवरी डे टिल मंडे। तो सैटरडे संडे को वील फिगर आउट। मेघा बोल रही थी कि मेरे यहाँ जाना, अभी भी बोल रही थी, तो किसी तरह बस कीचू संभल जाए वो सैटरडे संडे। मंडे से फ्राइडे तो मैं किसी तरह कोशिश करूँगा कि मेरे पास वो रुक जाए रात तक, और देन दिव्या आ जाएगी बस पकड़ के, फिर मैं उसको पिक कर लूँगा या जैसे भी करना पड़ेगा कुछ हिसाब किताब। तो देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी एक हफ्ता बचा है, सब लोग मिलके जितना भी एफर्ट लगा सकते हैं लगा रहे हैं, ताकि दिव्या का टाइम पर सबमिट हो जाए एंड देन छुट्टी। Papa song. You want Papa song? Wicked. Do you want Papa song? Yeah. Which one? Wicked. Bua. With Bua? Yeah. Okay. Wait. Wicked. 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 Yay! Ma. Mama office. Bye bye, Mama. Bye bye, Papa. Papa. Papa office. Mama. Mama office. इसको बताया कि मम्मा ऑफिस में है, तभी समझ जाता है कि अच्छा अभी मम्मी घर पे नहीं है। Yes, मम्मी ऑफिस। तो डिसर्टेशन पे फुल ऑन काम चल रहा है, और इस बीच में खाना बस जुगाड़ का खाया जा रहा है। सो आई जस्ट बॉट दीज फ्रॉम रूट्स यहाँ पे, और इसको खाऊंगी मैं अभी, साथ साथ में काम चल रहा है।
अनफॉर्चुनेटली अभी हेल्थ पे ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है और ऑब्वियसली आई गेन वेट. आप लोग भी कह रहे हो यू आर आस्किंग कि आर यू प्रेगनेंट. नो आई एम नॉट प्रेगनेंट, दैट्स जस्ट फूड वेट. बट इट्स ओके, आई एम नॉट सो कंसर्न अबाउट इट राइट नाउ, स्पेशली फॉर अ वीक, क्योंकि अभी एक हफ्ता ही बचा है मेरी डिसर्टेशन को सबमिट होने में. तो उसके बाद थोड़ा ट्रैक पे लाइफ लाई जाएगी. फिलहाल बस जुगाड़ से कुछ भी खाया पिया जा रहा है जो भी अवेलेबल है, क्योंकि किचन में बस इंडियन खाने का यही है कि जब घुसते हो तो वो टाइम लगता है बनाने में. मतलब मुझे टाइम लगता है, मम्मी या लोग तो जल्दी जल्दी बना देती थी, बट मुझे थोड़ा धीरे धीरे अच्छे से एकदम स्वाद भर के बनाने में बड़ा मज़ा आता है. तो अभी वो टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ मैं, और जल्दी जल्दी वाला खाना खाया नहीं जाता है ना अर्जुना से ना मेरे से. तो इसलिए अभी सर्दी हो रही है. एनीवे, तो इसलिए अभी फोकस किया जा रहा है सिर्फ पढ़ाई पे. मंडे को सबमिशन है, बहुत सारा काम बचा है और चल रहा है, स्पीड बढ़ाने की कोशिश चल रही है. इसलिए व्लॉगिंग भी मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ, बट मैंने सोचा आज कर लेती हूँ और थोड़ा सा आपको अपडेट देती हूँ कि लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है. एंड अर्जुना अभी किचू को उन्होंने पिक कर लिया होगा और आज उन्होंने कहा है कि अब तू अगले 3-4 दिन यू स्टे इन द यूनिवर्सिटी, यू फिनिश योर वर्क जितना तू पढ़ सकती है एंड देन टेक द बस एंड कम बैक. तब तक वो किचू को संभालेंगे. ऑब्वियसली व्हेन वी वर हियर इन द यूनिवर्सिटी हाउस इट वॉज मच मोर ईजियर बिकॉज यहाँ से पैदल में चली जाती थी, बट कोई बात नहीं, ये 3-4 घंटे जो मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे रोज़, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि एकदम एंड तक के लिए क्यों रखती हूँ मैं काम, बट वो स्पेशली फॉर डिजिटेशन देर सो मच वर्क कि वो ख़त्म ही नहीं होता है. एक के बाद एक आप कुछ ना कुछ आपको वो लिखना ही होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है. और मुझे लगता है शायद डिजिटेशन वाले दिन ही सुबह या एक दिन पहले ही मेरा ख़त्म होगा, बट That will be the end. So, जहाँ पे भी मैं लो हो रही होती मैं अपने आप को बोलती हूँ बस दिव्या एक हफ्ता और, बस दिव्या एक हफ्ता और, जल्दी से फटाफट कर ले. So that's keeping me engaged and keeping my spirits high. महाराज आ चुके हैं घर, इनको दे दिया गया है टॉर्टिया खाने के लिए. Basically wheat का होता है. Kichu, is it nice? मैं और किचू आ गए उसके प्ले एरिया में, उसके हेलीकॉप्टर और कार से खेल रहे हैं अभी. कार से खेलने में तो मुझे भी मजा आता है. ये वाला ड्रेस कितना सही लग रहा है ना कीचू का, मस्त है. शाम हो चली है, सुंदर सुंदर स्काई है बाहर, ठंड बहुत है, स्वेटर में आ चुके हम. बाहर चल रही है लाइब्रेरी में सफाई और यहाँ चल रही धुलाई. काली घटा छाई हुई है बादलों की. अभी बज रहे हैं 6:30. ये लाइटें हैं यहाँ की जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, बट मैं आपको बादल दिखाने आई थी. हाइपोथेसिस ने जान ले ली भाई. बहुत ठंड है भाई. ओह शिट, स्वेटर पहना है मैंने फिर भी इतनी ठंड लग रही है. किचू एक्साइटेड है क्योंकि हम लोग अब जा रहे हैं मम्मी को लेने. की चुकी अभी चलते हैं, ठीक है? ये मम्मा आ गई. मम्मा आ गई.
तो कल दिव्या जब आई थी तब तक काफी लेट हो गया था, आई थिंक 9:30 तक पहुंची थी, और तब तक कीचू के ऑलरेडी सोने का टाइम हो गया था। तो जैसे ही वो आई उसके 10-15 मिनट बाद उसने कीचू को सुला दिया और उसके बाद वो पढ़ने बैठ गई थोड़ी देर और। तो शी स्टडीड फॉर अदर 2-3 आवर्स एंड देन वो कब इन द मॉर्निंग अर्ली। अब वो लोग जा चुके हैं ऑलरेडी यूनिवर्सिटी और नर्सरी, मैं घर पे अपना काम कर रहा हूँ। और फिलहाल ये दिन यहीं पर रैपअप करते हैं, ये वाला व्लॉग यहीं पर रैपअप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्स्टेंट लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं कल।